नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो कसूत हरियाणा। दोस्तों, हमारे पास जो किसान आंदोलन के एक विशेष चेहरा हरियाणा की तरफ से निकल के आए थे मौजूद, और आज का जो महापंचायत 5 सितंबर की महापंचायत जो सफल हुई है, सर का बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर रहा। सर, आज की जो महापंचायत थी इसके अंदर जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के जो लोग सोचने लग रहे थे कुछ ना कुछ बड़ा फैसला निकलेगा, लेकिन निकला वही जो 10 महीने से बीजेपी का विरोध की जो लहर चल रही थी उसी को आगे बढ़ाने का यहाँ काम हुआ है। क्या बोलोगे? देखिए, ये मिशन यूपी की शुरुआत है। मिशन यूपी ने तय किया है कि 18 मंडल हैं यूपी में। संयुक्त मोर्चे का निर्णय है 18 के 18 मंडलों में किसान महापंचायत होंगी। आज ये पहली एक पंचायत थी। 17 महापंचायतें 30 नवंबर से पहले और होंगी। ये इस आंदोलन को घर घर में ले जाने के लिए ये सारा जो है प्रयास है, कार्रवाई है या निर्णय लिया गया है सरकार के पास। सरकार के यहाँ 9 महीने से हम बैठे हैं। मांगे हम ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, मांगे तो हमारी वही हैं। तो नई नया तो कुछ है ही नहीं, मांग तो वही हैं। उन मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली बैठे हैं 9 महीने से। दिल्ली का सरकार ने ये मान लिया कि दिल्ली वाला मामला कम है। आज उनको बता दिया ये संख्या करके कि पूरे देश का किसान है। यहाँ तमिलनाडु था, केरल था, कर्नाटक था, आंध्र प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र था, यहाँ देश का किसान इकट्ठा हुआ। ये उनकी उस बात का जवाब है जो बार बार कहते थे कि ये तो क्षेत्र विशेष का आंदोलन है। ये बात सर आपकी बिल्कुल राइट है। क्या अब भी गुरनाम सिंह चलोनी जी हैं और राकेश टिकैत जी आप हैं, क्या मतभेद आप लोगों में अब भी जारी है? मैंने यही सवाल जो पंजाब राजस्थान से जुड़ा हुआ था आपसे पूछा था पहले, आपने जवाब दिया। सवाल मैंने गुरनाम चलोनी जी से पूछा था, उन्होंने कहा कि जिसने फैसला कराया है उन्हीं से जवाब पूछो जाके। मैं क्या जवाब दूँ? मेरे को तो आमंत्रित किया गया था, मैं आमंत्रित होया, मन से चला गया। मैं क्या बोलूँ इस मैटर के ऊपर? आप बताओ सर, किस मैटर की बात? मैंने उनसे पूछा था कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के जो किसान है इस महापंचायत से आशा लगा रखी थी कोई ऐसा बड़ा मतलब फैसला हो कि किसानों के जो मुद्दे थे, भाई बार बार पार्टियों का जो विरोध किया जा रहा था उनके ऊपर लाठियाचार्ज हो रही थी, इस तरह का कोई विशेष मैटर निकल के आए, ये बंद हो सब। लाठीचार्ज के लिए पहले ही 6 तारीख का ऐलान कर रखा। हर एक्शन जो अपने तरीके का होता है, वो एक बीच में दुर्घटना घटी और उस पर एक्शन जो है संयुक्त मोर्चे ने 6 तारीख तक का समय दे रखा है वहाँ पे, तो वो एक्शन तो ले ही रखा। ये जो कार्रवाई है ये तो संयुक्त मोर्चे का जो एक एजेंडा है उसको लेके देश में बढ़ने की कार्रवाई, उस कड़ी की मैं पंचायत थी। एक सवाल और सर लास्ट, आज जो हमारी महापंचायत हुई इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में हरियाणा से, राजस्थान से भी हैं और पंजाब से विशेषकर हैं, क्या यूपी चुनाव के ऊपर इन सब का फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो जो वोट करना है उत्तर प्रदेश के लोग ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट करेंगे। निश्चित तौर पे असंतोष है, ये तो असंतोष जाहिर किया हरियाणा, पंजाब और वो भाई सारे स्वयं से, जब उनको पता चला कि किसान महापंचायत हो रही है, अपने साधनों से और अपने उत्साह के साथ आए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये लड़ाई जो है किसी एक प्रांत की नहीं है, किसी एक एरिया की लड़ाई नहीं है, ये देश के किसान की लड़ाई है। उनका सहयोग जो आज मैंने और भी बताया, दक्षिण भारत के, मध्य भारत के जो राज्य आए, सब ने आके अपना आहुति दी इस यज्ञ में, और ये देश की सरकार को बताया कि पूरा देश इन मुद्दों में। धन्यवाद सर।